கேட் சொல்வந்தது. कक्षा सात विषय विज्ञान पाठ एक है पाठ को में पोषण. पोषण का मतलब कल हमने पढ़ा था कि पोषण का मतलब होता है भोजन करना. भोजन करने के अंतर्गत आपने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण के बारे में. हरे पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. प्रकाश संश्लेषण के लिए चार घटक जरूरी होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्हें वातावरण से प्राप्त हो जाती है, पानी जिससे वो ज़मीन से ले लेते हैं, इसके अलावा सूरज का प्रकाश चाहिए, और पर्णहरित जो कि पत्तियों में पाया जाता है. पत्तियां पर्णहरित के कारण ही हरे रंग की होती है. तो इन चारों घटक को लेने के बाद में पौधे भोजन बनाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, 6O2 और ऊर्जा. इस प्रक्रिया में वापस ऑक्सीजन बाहर निकलती है. इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीव सजीव जैसे कि जीव जंतु और मनुष्य आदि करते हैं. जो कार्बोहाइड्रेट बनता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान वह पत्तियों में क्या होता है, स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता चला जाता है. इकट्ठा पत्ती में जब स्टार्च बन जाएगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो गया, इसका मतलब क्या है, हमारी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, पूर्ण हो गई. तो पत्ती में जब स्टार्च बन जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब स्टार्च क्या है, वो भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है. अब हम देखें कि पत्ती कई बार क्या होता है कि जैसे कि हरे तना होता है, हरा हरी शाखाएँ होती है, वो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरा भाग पत्ती है वही प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है. कुछ पौधों के अंदर जैसे कि हरा तना, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है. जैसे कि हम मरुस्थलीय पादप जो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे जैसे गवार पाठा, नागफनी के अंदर देखें उनके तने हरे होते हैं. जो हम खाते हैं गवार पाठे में जो भाग खाते हैं वो उसका पत्ती ना हो करके तना होता है. तना हरा होता है और पत्तियाँ उसमें साइड में कांटों में बदल जाती है. क्यों? क्योंकि बाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए. बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, पत्तियों से जब पानी बाहर निकलता है, बूंदों के रूप में जब पानी बाहर निकलता है तो उसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं. अगर मरुस्थलीय पादपों में भी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया निरंतर होती रही, यानी कि निरंतर वो पौधों से जल बाहर बूंदों के रूप में निकलता रहा, तो वो पौधों को नुकसान पहुंचाएगा, पौधे अपनी ग्रोथ पूरी तरह नहीं कर पाएंगे. तो इन पौधों में क्या होता है, पत्तियां कांटों में बदल जाती है ताकि बाष्पोत्सर्जन यानी कि पानी कम से कम बाहर निकले. तो इन पौधों में हरे तने और हरी शाखाएं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि क्या पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो स्टार्च बनता है, इसको आप वास्तव में कैसे सिद्ध कर सकते हो. एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके बताइए. तो हम क्या करेंगे, एक ही प्रकार के हम दो पादप में लगे गमलों में लगे हुए दो पादप लेंगे जो एक ही प्रकार के हैं. एक गमले को हमने अंधेरे में 72 घंटे यानी कि 3 से 4 दिन के लिए उसको अंधेरे में रख दिया. दूसरे गमले को हमने सूरज के प्रकाश में रख दिया. हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज का प्रकाश होना ज़रूरी है. तो हम देखते हैं कि इसका मतलब है कि जो पौधा अंधेरे में रखा हुआ वह प्रकाश संश्लेषण यानी कि अपना भोजन खुद नहीं बना पाएगा, जबकि सूरज के प्रकाश में रखा हुआ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से कर जाएगा. तो हमने 3-4 दिन के लिए उस पौधे को एक गमले लगे पौधे को हमने अंधकार में रखा, दूसरे पौधे को हमने सूरज के प्रकाश में रख दिया. 3 से 4 दिन के बाद में हमने पत्तियों में स्टार्च परीक्षण किया, आयोडीन परीक्षण किया. स्टार्च का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का परीक्षण किया, यानी कि हमने आयोडीन की कुछ बूंदें उस पत्ती के ऊपर डाली. तो हम देखते हैं कि जो पत्ती के ऊपर आयोडीन बूंद डालते हैं तो पत्ती का रंग थोड़ा सा क्या हो जाता है, बैंगनी सा हो जाता है. तो अंधकार वाला पौधा तो क्या होगा, कुछ रंग परीक्षण नहीं दिखाएगा, उसमें रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. लेकिन जो गमले में रखा जो सूरज का प्रकाश वाला पौधा था वह बैंगनी रंग की पौधे पत्तियाँ उसकी हो जाती है. तो इस पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है. तो आयोडीन का लक्षण क्या होता है कि वो स्टार्च से क्रिया करके बैंगनी रंग दर्शाता है. तो इस प्रयोग से स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में स्टार्च बनता है.
धन्यवाद। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम कल पढ़ेंगे।